जिला प्रशासन कुल्लू के द्वारा कर्फ्यू के दौरान बनाई गई ढील के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अब विभिन्न दुकानों को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर दुकानें खुली रही और ग्राहक भी दुकानों में खरीदारी करते हुए नजर आए। जिला प्रशासन के द्वारा दी गई ढील के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की दुकानों के अलावा कपड़े सर्विस सेंटर, मोबाइल रिटेल सहित अन्य दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। इस दौरान लोग मिली छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर आए। छोटे व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय के बाद मिली छूट से जहां ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में चहल पहल शुरू हो गई है, वहीं छोटे दुकानदारों को रोजगार भी शुरू हो गया है। पिछले कल जिस प्रकार से सरकार की नोटिफिकेशन आई है और स्थानीय प्रशासन ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी दुकानदार है, जो भी व्यापारी वर्ग है, उनको दुकानों खोलने की इजाज़त दी है, ये हमारे साथ उन सभी दुकानदारों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए एक राहत की खबर है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन के जो भी पालन है, जो भी नियम है, उनका पालन बड़ी सख्ती से होना चाहिए और सारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रशासन को व सरकार को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से अब दुकानदारों को आज से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अपनी दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, ये निर्देश प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से सराहनीय है। इन निर्देशों से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार है, व्यवसायी है, हम सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन के, उन लॉकडाउनों के नियमों का पालन भी करेंगे और अपनी दुकानों के माध्यम से लोगों को सुविधा भी प्रदान करेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।